हाँ जी दोस्तों, अज गल करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ पीओ। SBI च पीओ की वैकेंसी, बहुत वैकेंसी है, ठीक है जी। तो देखते हैं कदों अपलाई, ऑनलाइन डेट अपलाई है। पर उस तो पहला सेम रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और अगर कोई पॉइंट है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो गल करते हैं जी पीओ की, रिक्रूटमेंट ऑफ पीओ। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म 7/9/23 तो लेके 27/9/23 तक है जी, ठीक है जी। और ये जो कैंडिडेट सिलेक्ट होएगा वो कैंडिडेट पोस्टेड एनी वेयर इन इंडिया, भी कितने भी इंडिया पोस्टिंग हो सकती है वो, ठीक है जी। अगे गल करते हैं जी क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन की गल करिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, थोड़ी ग्रेजुएशन होनी चाहिए है, ठीक है जी। तो थोड़ा जूम करना क्योंकि उन्होंने आ देखो जी इस दे विच हुण करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7/9/23 तो 27/9/23 तक है जी। पेमेंट ऑफ फीस, फीस की पेमेंट भी उन्होंने यही डेट रखी है जी, 7/9/23 तो लेके 27/9/23 तक, ठीक है जी। इन्होंने एक्स्ट्रा डेट नहीं दी, कई भर्तियों एक्स्ट्रा डेट दी होंगी, जिदा 27 तो लास्ट बंद है तो 29 तो 29 तक डेट होंगी, पर इन्होंने नहीं दी, ध्यान रखियो जी। अति तुहाडा टेस्ट होएगा तीन फेज च होएगा, फेज 1 फेज 2 फेज 3 दे विच, ठीक है जी। फिर ग्रुप एंड ग्रुप एक्सरस इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज दाई, फिर डिकलेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ठीक है जी। तो गल करते हैं आप वैकेंसी की, वैकेंसी बहुत है जी, वैकेंसी कितनी है अपनी। वैकेंसी देखो जी, करंट वैकेंसी SC दी हैगी 300, ST 150, OBC 540, EWS 200, जनरल दी 810, तो टोटल वैकेंसी 2000, ठीक है जी। बैकलॉग वैकेंसी है 16, तो वो हेयरिंग एम्पायर वालों की है, ठीक है जी। ये जो डिसबिलिटी वाले होंगे जी उन्हां दी वैकेंसी है जी, ठीक है जी। तो इस साइड की लिखे आप, थोड़ा इस साइड भी पढ़ लें। हाँ जी, ये एजुकेशन का आ गया जी। एज लिमिट की गल करिए, एज लिमिट की गल करिए, एज लिमिट की एज उन्होंने मंगी है नॉट बिलो 21 ईयर एंड नॉट अबव 30 साल तो उपर एज नहीं होनी चाहिए जी। पर उन्होंने कुछ कैटागरी वास्ते रिलैक्सेशन दिती है जी, एज की शड्यूल कास्ट एंड शड्यूल ट्राइब्स तो 5 साल की है जी, ठीक है। OBC वालों की हैगी जी 3 साल की, तो अपने डिसबिलिटी वालों की हैगी 15 साल की जी। पर उन्होंने इस कैटागरी दे दी जो डिसबिलिटी SC एंड ST वाले की 15 जी, तो OBC 13 साल है जी, तो जनरल एंड EWS 10 साल की है जी, तो एक्स सर्विसमैन 5 साल की छूट दी है, ठीक है जी। तो अगे आप गल करते हैं, अगे आप जो मेन मेन पॉइंट है नोटिफिकेशन दे देखते हैं जी। हाँ जी, कोड उन्होंने देते जी, तुम कि कोड अप्लाई करोगे, कोड के ST वास्ते 1 नंबर, ST SCLD 2 जी, VI 3, HI 4, ठीक है जी। ये तुसी कोड चेक कर सकते हो वीडियो दे विच, जनरल दा 16 जी, EWS दा 21 है जी, ठीक है जी। तो सिलेक्शन प्रोसैस की गल करिए, आप पहले भी कर चुके हैं जी, फेस 1 फेज 2 फेज 3 दे विच टेस्ट होएगा, तुहाडा 3 टेस्ट होणगे तुहाडे, ठीक है जी। तो फेस 1 च की भी पेपर आएगा जी, देख लो इंग्लिश लैंगुएज का पेपर आएगा जी 30 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आएगा जी 35 का, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी का आएगा जी 35 का, तो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल मैक्सिमम मार्क 100 नंबर का, ड्यूरेशन देख लेने 20 मिनट का, 30 क्वेश्चन 20 मिनट करने हैं, 35 20 मिनट तो अगे 35 20 मिनट, यानी 1 घंटे का पेपर है जी, ठीक है जी। तो फेस सैकंड की गल करिए, फेस सैकंड की है, फेस सैकंड टेस्ट है, फिर तुहाडा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जी, ठीक है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 और 40 क्वेश्चन होंगे, मैक्सीम 50 नंबर दे होंगे, ठीक है जी, 50 मिनट होंगे तुहाडे कोल, ठीक है। तो डाटा एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर दे, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन 45 है जी। जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनैस 50 नंबर दे, 50 क्वेश्चन 60 मार्क दे होंगे जी, 45 मिनट होंगे तुहाडे कोल। एंड इंग्लिश लैंग्एज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स दे होंगे जी, तो 40 मिनट होंगे तुहाडे कोल। टोटल क्वेश्चन 155 एंड मार्क 200 है जी, तो 3 घंटे का पेपर होएगा जी, ठीक है जी। इंग्लिश लैटर राइटिंग एंड ऐसे 2 नंबर का होएगा जी, ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे, मार्क इन्हां दे 50 होंगे, इहदे वास्ते 30 मिनट है, यानी टोटल ग्रैंड टोटल 250 नंबर का होगा जी पेपर, ठीक है जी। पर उन्होंने कहा चीज़ देखो जी, प्लेंटी फॉर रोंग आंसर, ठीक है जी, नैगेटिव मार्किंग है जी पेपर के, ध्यान नाल पेपर करियो, ठीक है जी। तो फेज 3 के ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू 30 नंबर का जी, तो ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर का, टोटल 50 नंबर का जी पेपर है जी तुहाडा, ठीक है जी। चलो क्लोज कर दें जी, अगे देखते हैं, क्योंकि जो मेन मेन पॉइंट वो मैं हाईलाइटड कर रखे हैं जी, ठीक है जी।
हाँ जी, फीस की गल कर लीए, आप फीस की गल कर लीए, ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर फीस 750 रुपया, 750, ठीक है जी। जनरल EWS ते OBC वाले दी है, एंड निल फॉर SC ST एंड PWBD, ठीक है जी। इन्हों की निल है जी, तो इन्ह की 750 रुपया जनरल EWS एंड OBC दी, ठीक है जी। ये फीस नॉट रिफंडेबल है, ठीक है जी। ये रिफंड नहीं थोड़ी होएगी अगर तुम एक बार भर चुके हो। तो अगे गल करिए, हाँ जी, इन्होंने फिर देता हाउ टू अप्लाई। देखो जी, डेट ये याद रखो, 7/9/2023 तो 27/9/2023, ठीक है जी। तो पेमेंट ऑनलाइन मोड है, रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन है, थोड़ी पेमेंट ऑफ फीस भी थोड़ी ऑनलाइन मोड है जी, ठीक है जी। तो अगे गल करिए, अगे कुछ है इस, हाँ जी, ये एग्जामीनेशन सेंटर्स, ठीक है जी। भी कितने कितने, जिदा अंडेमान निकोबार से अगर कोई पेपर देगा भरया जी ने, आल इंडिया वैकेंसी है जी, ये तुसी कोई भी भर सकता, आल इंडिया के बच्चे भर सकते हैं जी, ठीक है ना। आंध्रा जिदा आसाम के बच्चे एग्जामीनेशन सेंटर है, ठीक है जी। आ देखो जी, सारे तुसी, मैं हौली हौली वीडियो उपर कर रहा जी, चैक करके अपना देख लो किहड़ा तुहाडा हैगा जी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर, ठीक है जी। तो लो जी, अपना तकरीबन नोटिफिकेशन सारा पढ़ चुका है। तो जे वीडियो वधिया लगी तो अपने दोस्तों मित्र नाल शेयर कर देना, ठीक है। चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना, तां जो अपनी जॉब दे रिलेटिव नोटिफिकेशन दी वीडियो तुहाडे कोल सब ते पहला पहुंच जाए, ठीक है जी। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो, तब तक धन्यवाद जी।